तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फार्मा की मिड कैप कंपनी। दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत शानदार है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों ये काफी शानदार स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर अच्छे खासे रनअप हमको देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल चार्ट पे दोस्तों हम डिटेल में उसको समझेंगे, उससे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। और उससे पहले आपको लेके चलता हूँ एनएससी की वेबसाइट पर, जहां पर आप देखेंगे 4 मई को दोस्तों इनके Q4 की अर्निंग्स जो है आने वाली है, डिविडेंड अनाउंस करने वाली है कंपनी और अदर बिजनेस मैटर से रिलेटेड बोर्ड मीटिंग में कुछ ना कुछ आउटकम आ सकता है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों हमको ये अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट पे भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों? कंपनी का नाम है एलेम्बिक फार्मा। जी हाँ दोस्तों, आपने जरूर इसका नाम सुना होगा। तो कंपनी काफी शानदार है, अभी आपको इसके फंडामेंटल्स पे भी लेकर चलूंगा। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि हमारे को एक कन्विक्शन आए, इसको अगर थोड़ा होल्ड भी करना पड़े तो उसके लिए हम कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो कंपनी दोस्तों बेसिकली फॉर्मुलेशंस, मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है, एंड एपीआईज में ये कंपनी है। इनका 52% से ज्यादा रेवेन्यू बाहर एक्सपोर्ट्स के थ्रू आता है दोस्तों, जहां पर ये यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो देखिए, एग्जिस्टिंग है इनके ऑरल सॉलिड्स हैं, एंड रीसेंट एडिशन इन्होंने किए हैं, कुछ अपकमिंग हैं। डर्मेटोलॉजी से रिलेटेड ये एपीआईज बनाते हैं, ऑन्कोलॉजी, कॉम्प्लेक्स जो थेरेपीज होते हैं दोस्तों उनके लिए भी ये काम करती है। न्यू ओरल सॉलिड्स हैं, जनरल इंजेक्टेबल्स हैं, ऑप्थमैलिक हैं, ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखिए, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हमको देखने को मिल रही है। R&D फैसिलिटीज़ भी 3 हैं इनकी, और डोडरा, हैदराबाद एंड न्यू जर्सी USA में भी आपको ये देखने को मिलेगी। और ऑल फैसिलिटीज़ आर अप्रूव्ड बाय द USFDA। डोमेस्टिक ब्रांड्स की बात करें तो दोस्तों आपने ज़रूर एक दवाई का नाम सुना होगा, अजिथ्रोमाइसिन। तो जी हाँ दोस्तों, अजिथ्रोमाइसिन इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। 30% से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर है, और हाइड्रोक्लोरोक्वीन जो दवाई थी दोस्तों उसके साथ काफ़ी ज़्यादा ये जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ हुआ था, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इनका प्रोडक्ट है। सॉरी, तो अगर इनकी प्रोडक्ट देखें हम डोमेस्टिक में, तो कार्डियोलॉजी, एंटी डायबिटिक, गायनेकोलॉजी, गेस्ट्रोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, ऑप्थमोलॉजी, नेफ्रो, एंटी इन्फेक्टिव, कोल्ड एंड कफ, तो ये सारे इनके जो है थेरेपी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी सिक्किम में है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा ये ओवरव्यू आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर अगर बात करें इंडियन फार्मा स्पेस में, तो 1.5% का मार्केट शेयर है। 93% न्यू लॉन्चेस इन स्पेशलिटी में थी। 3 ब्रांड्स हैं इन टॉप 300 में, जहाँ पर एक अजिथ्रोमाइसिन का नाम भी आता है। APIs की बात करें तो APIs से देखिए 708 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 9 DMF फाइल्स हैं ऑलरेडी, और क्यूमुलेटिवली 109 हैं यहाँ पर। तो APIs में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ही अब जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं अपना, एज पर दी यहाँ पर जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको उसकी वजह से। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी दोस्तों काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लाइन है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर फॉर्मुलेशंस में कंपनी काम कर रही है, और काफ़ी अच्छे जो हैं प्रोडक्ट लाइन है इनकी, काफ़ी अच्छे जो रेंज है मेडिसिन सेगमेंट्स हैं उनमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जहाँ पर ये इनको कैटर कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर चलें तो आप देखिए, मार्केट कैप अभी 19,000 करोड़ का है, तो एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक का PE आप देखिए ओनली 17 का है, लेकिन इंडस्ट्री का PE 24 का है दोस्तों, अभी भी सस्ते वैल्यूएशंस पे ये अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, अपने हिस्टोरिकल PE के आसपास ये मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ से एक आप निकाल सकते हैं ट्रिगर कि यहाँ से हमको तेजी देखने को मिल सकती है। ROC देखिए 24.2, ROE 30 के आसपास ज़बरदस्त है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हैं 28 के आसपास, डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी में, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी यहाँ पर 70% के आसपास होल्डिंग हमको देखने को मिल रही है। प्लेजिंग भी यहाँ पर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करूँ, देखिए 1200 करोड़ से बढ़ के इनके जो रेवेन्यू हैं 1400, 1500, 1800, 2000, 3100, 3600, 3900, 4600, ट्रेलिंग 12 में 5300। तो लगातार यहाँ पर हमको सेल्स के नंबर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें 85 करोड़ से बढ़ते हुए ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखिए 1152 यहाँ पर हो चुके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए यहाँ पर लगातार आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर शानदार नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो प्रमोटर्स के पास है 69.48, FIs के पास है 6.56 एंड DIs के पास है 10.97। तो ज़्यादातर आपको जो है स्टेक प्रमोटर्स के पास ही देखने को मिलेंगे, और 70% के आसपास प्रमोटर के स्टेक है, मतलब काफ़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। आप चलते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और वो है दोस्तों इसका टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर क्या नज़र आ रहा है वो देखिए आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कई टाइम से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 20 जुलाई 2020 से और आज तक की बात करूँ, तो सेम आपको उसी रेंज में ये देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक रेंज निकालने की कोशिश करूँ तो आप देखिए यहाँ पर
इस रेंज में हमको ये देखने को मिल रहा है, जहां पर ये ऊपर का सपोर्ट ये है इसका, जो ऊपर का रेजिस्टेंस एक्चुअली, एंड नीचे का सपोर्ट आप देख रहे हैं ये है इसका। यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव जो है ये ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे पॉजिटिव ट्रेंड में दिख रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप छोटे फ्रेम में इसको देखें तो यहाँ पर भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से भी ये निकल सकता है ऊपर। और पहला टारगेट इसका दोस्तों मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा करीब करीब 1082 का, जो कि यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो ये इसका एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर की साइड। तो 8% के टारगेट हमको यहाँ पर रिटर्न, डेफिनेटली 8% के रिटर्न हमको यहाँ पर शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ से ये अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करने की पूरी पूरी प्रॉबिलिटी है, जिस प्रकार से कोविड के दौरान दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड है APIs की। एंड जो ये एंटीबायोटिक जो इनका एक अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी इसका दोस्तों डिमांड हो रही है, काफ़ी अच्छा इसमें वॉल्यूम आ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक जो है पूरी टेलविंड चल रही है फार्मा सेक्टर में। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसको भी फायदा मिल सकता है। तो इसका फर्स्ट टारगेट आपको 1082, देन नेक्स्ट इसका मिलेगा आपको करीब, इसका जो ऑल टाइम हाई है 1147, जो करंट लेवल से आप देखते हैं तो करीब 14-15% के आसपास देखने को मिल सकता है। और अपने तीनों मूविंग डे एवरेज जो है इनके 200, 150, उनसे ऊपर चल रहा है। और यहाँ पर देखिए आप कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से वॉल्यूम भी आप देखेंगे दोस्तों, नीचे आप देखिए ये ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, तो ये क्लियर कट संकेत है यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो आप भी दोस्तों इसको कंसिडर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करना है तो अब भी आप कर सकते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए करना है तब भी आप कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा इसका 50-डे मूविंग एवरेज करीब यहाँ से 960 के आसपास। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस, और कंपनी शानदार है, और जिस प्रकार से फार्मा दोस्तों परफॉर्म कर रहा है इस समय में भी, तो पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से हमको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगी। तो ये टारगेट्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो ज़रूर इसमें कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तब भी दोस्तों कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स हैं, और काफ़ी पुरानी कंपनी है, ऐसा नहीं है अभी बनी है, कई मतलब आई थिंक इसको 60 साल 80 साल से ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैनेजमेंट भी काफ़ी इसका एक्सपीरियंस है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।